इन्वॉल्व हुए हैं, जिनकी ड्रग एडिक्शन हुई है, उनको हम इससे बाहर कैसे निकालें। इस दिन के मनाने का मकसद भी यही है कि ड्रग से दूर रहना है, और जो लोग जो बच्चे या जो नौजवान हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, जिनकी ड्रग एडिक्शन ऑलरेडी हुई है, उनको हम कैसे जाहिर तौर तो वो इस दुनिया में होता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो कहीं और होता है, वो तो हमेशा खोया हुआ रहता है। क्या करते हैं ये लोग, एक जगह पे जमा होते हैं, ये जिनकी ड्रग एडिक्शन हुई है, जो ड्रग्स लेते हैं, वो एक कमरे में बैठते हैं। यूजुअली वो कमरा जो होता है सेमी डॉर्मेटरी रूम होता है, उसमें लाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसी कमरे में बैठते हैं, तो धुएं से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ स्मोक ये कमरा होता है। तो फिर क्या होता है, कुछ यंगस्टर्स जो होते हैं वो पिल्स खाते हैं, कुछ जो होते हैं वो उनके हाथ में इंजेक्शन होता है, और वो ये इंजेक्शन अपनी अपने बाजू में लगाते हैं। हाथ लगाया तो फिर वो ड्रग्स उनको नहीं छोड़ते हैं, वो भी इन्वॉल्व होता है। तो ये मैंने पहला फैक्टर बताया, होम एनवायरनमेंट इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। टीचर्स, हम जो टीचर लोग हैं, बच्चा जो है ज्यादातर अपने माँ बाप के साथ रहता है, तो हम टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को ये गाइड करें कि ड्रग्स लेने से क्या होता है, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता हमारा सेहत या हमारी सेहत बिगड़ जाएगी, तो हम दुनिया का कोई काम क्या, अल्लाह का कोई भी हुक्म अच्छी तरह बेटा अंजाम नहीं दे पाएगा। जो नौनिहाल बच्चे हैं वो इस लखपत में बुरे इस नासूर में बेटा पढ़ रहे हैं, और अल्लाह बचाए ये नासूर हमारे घर तक पहुंचा है। किसी को ये नहीं पता है कि वो खुशहाली में रहता है कि मेरी जिंदगी बड़े सुहाने से गुजर रही है। उन बच्चों नौनिहाल बच्चों या बच्चों को इस गंदी चीज से बेटा निकाल पाएगा। इस एडिक्शन बेटा जो है एडिक्शन ड्रग एडिक्शन बेटा का मतलब यही है कि जो नौनिहाल अभी इस नासूर से बचे हुए हैं उनको कैसे बचाया जाए, या जो इस लखपत में लगे हुए हैं उनको इस गंदगी से कैसे निकाला जाए। हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी यह है कि अगर हमें लग रहा है कि ये नासूर किसी का, सो इट बेसिकली इज अ ट्रीटमेंट फॉर एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग्स अल्कोहल और टोबैको। इट्स इंटेंडेड टू रिमूव द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द एडिक्टिव सब्सटेंसेस। ड्रग एडिक्शन इजंट जस्ट अबाउट हेरोइन, कोकीन और अदर इलीगल ड्रग्स। A person can get addicted to alcohol, nicotine, sleep and anti-anxiety medications and other legal substances. Nowadays, drug addiction has become very common, but we all know that drugs have adverse effect on our health. It makes a person to lose his physical efficiency and also damages his health. All know are an illegal matter. With some people drink, smoke or inject for the mental as well as physical effects that it makes. There are several students who consume drugs out of fun or for various other reasons. The theme for World Drug Day changed. For 2024, the theme is "The evidence is clear, invest in prevention." Since drug problems are affecting the human race in various ways, it has become important to change our focus on prevention and treatment. It destroys one's mind and body. It is a psychological disorder that leads a person to use drugs legally and illegally. Drug addiction can be treated such as busy yourself in activities like meditation or sobriety.
Avoid that place where drugs is available. Remove stress and spending more time with family is very helpful to get rid from drug addiction. आर 26 लव जोन है, तो इस सिलसिले में आप लोगों को मालूम ही है कि ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे माशरे के लिए कितना नासूर बनते जा रहे हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी एक प्रोग्राम में आपसे कहा था कि अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है अल-कुदूस। अल-कुदूस हो गया मीनिंग क्योर, साफ शिफा, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफात जो है अपने सिफात के एतबार से ही उन्होंने तख्लीक की है इस दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ हर एक चाय हर एक चीज प्योर गुना के दायरे में आता है। क्या है अल्लाह ताला की क्रिएशन, हाईएस्ट क्रिएशन की इंसान है जिसमें पन्नी जिसको नुकसान वाद है वो वो तो ड्रग्स तो वो तुम बुलडस तो कॉन्टीजन कर बुलडिस यह अकिस मशन चाहे तुम असल चीज नीतो या खराब चीज असल चीज की वाचि खराब माशरस में मुख्तलिफ कस्म की खराबी गर तनाव गर माशरस खराब गत गाम सकूल मो तु वो बेकदरी सान बेहतरी माशरस मे पर्वश कोशिश बिहार के वर्तन अत लाक मे